हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा की रसोई। अक्सर हम हरे प्याज के साग के पकोड़े बनाया करते हैं। आप सभी को इस रेसिपी के बारे में हमें लगता है कम ही पता होगी, पर ये रेसिपी सच में दोस्तों बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे रोटी चावल दोनों के साथ खा सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें कोई मसाला की जरूरत नहीं है, सिर्फ सरसों से ही ये सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसका हम सब्जी भी बना सकते हैं और इसका हम चटनी भी बना सकते हैं। आपको जो भी पसंद है आप उसे इस रेसिपी में बना के खा सकते हैं। अगर आपको सब्जी खाना है तो आप सब्जी खा सकते हैं, अगर आपको चटनी खाना है तो आप चटनी खा सकते हैं। कैसे वो आपको फुल वीडियो देखने के बाद पता चलेगी कि ये कैसे होगा। तो चलिए आपको मैं ये दिखाती हूँ कि इसे हम सब्जी और चटनी एक ही रेसिपी में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम प्याज के साग को ले लेंगे और इसे अच्छे से धो लेंगे। इसके जो आपको इस तरीके से फूल देखेंगे उसे हम हाथों की सहायता से या फिर चाकू की सहायता से हटा लेंगे। प्याज के साग को हम इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। उसके बाद हम टमाटर को भी इस तरीके से काट लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम कढ़ाई ले लेंगे और गैस को ऑन कर देंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और उसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च और उसके बाद में डालेंगे कटी हुई हरे प्याज के साग और हरे प्याज के साग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे मीडियम आँच पे ही 1 मिनट के लिए पका लेना है। उसी बीच में हम क्या करेंगे, सरसों का और मिर्च का पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच सरसों लिया है और 1 हरी मिर्च। आप मिर्च अपने हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। तो हरे प्याज के साग को 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई टमाटर और टमाटर को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी बीच में डालेंगे हम 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढक ढक के 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा कि टमाटर और प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। हरे प्याज के साग और टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक के 1 मिनट के लिए हम पकने देंगे। तो 1 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर हम इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे मीठी खानी थी तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चीनी डाली है। अगर आपको हरे प्याज के साग और टमाटर की चटपटी चटनी खानी है तो आप इसमें चीनी ऐड कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच चीनी डाला है। आप अपने स्वाद अनुसार चीनी कम या ज्यादा डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे सरसों और मिर्च का पेस्ट और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये सब्जी में खानी है तो आप इसमें चीनी ऐड नहीं कीजिएगा। अगर आपको इस रेसिपी का चटपटा चटनी खानी है तो आप इसमें चीनी ऐड कीजिएगा। इस रेसिपी में हमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला डालने की जरूरत नहीं है। ये बिना मसाला का बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है। तो अगर मेरी ये रेसिपी आप सभी को अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।